सरकारी कर्मचारियों का प्रदर्शन, पुरानी पेंशन बहाली की मांग की। तहसील में कर्मचारियों ने दिया धरना, केंद्र और प्रदेश सरकार के कर्मचारी हुए धरने में शामिल। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार के कर्मचारी लामबंद हैं। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने ऐलान किया कि जब तक पुरानी पेंशन की बहाली नहीं की जाएगी, उनका आंदोलन जारी रहेगा। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर सरकारी कर्मचारियों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। लगातार धरने प्रदर्शन चल रहे हैं। आज फिर सरकारी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर तहसील सदर में एकत्रित हुए हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफ़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में केंद्र और प्रदेश सरकार के कर्मचारी इस धरने में शामिल हुए हैं। उनकी एक मांग है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था जो है उसको बहाल किया जाए। यहाँ पर मौजूद हैं पदाधिकारी जो इस धरने में शामिल हैं, के इंदौलिया जी हैं, बताएंगे पूरी जानकारी, क्यों बैठे हैं, क्या वजह है और कब तक ये धरना आप लोगों का चलेगा। मैं के इंदौलिया संयुक्त परिषद का मैं जिला प्रवक्ता हूँ। इस मोर्च के बेसिक डिपार्टमेंट से हूँ मैं और हमारा सबरा एक राज्य कर्मचारी शिक्षक बहाली मंच का एक संगठन है, जिसमें रेलवे भी आया है। हम सब लोग अपनी एक ही मांग, पुरानी पेंशन को लेकर यहाँ पर एकत्र हुए हैं और ये हमारा लगातार 2019 से ये सरकार से हमारी मांग रही है कि हमारी बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। एनपीएस हमें पसंद नहीं है, एनपीएस जिन्हें पसंद है वो एनपीएस लें, हमें पुरानी पेंशन चाहिए। नहीं अगर सुनवाई हो पाती है, उसी संदर्भ में हम लोग क्रमबद्ध तरीके से एक आंदोलन कर रहे हैं। आज हमारा पहला एक दिवसीय धरना है, उसके बाद अब जो भी उच्च स्तरीय बैठक में हमारे पास निर्णय होगा, हमारे जुलाई में एक दिल्ली में रैली भी है, लखनऊ में रैली भी है, वो प्रोग्राम जैसे जैसे होंगे बताते रहेंगे आपको। कितने संगठन लगभग इसमें शामिल हुए हैं? 108 संगठन है रेलवे मिला के और सभी डिपार्टमेंट है। इसमें शिक्षक कर्मचारी अधिकारी रेलवे और संयुक्त मोर्चा का एक मंच बना है। ये पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि इतने संगठन एक साथ एक मंच पर इकट्ठे हुए। लाल सलाम क्या है? लाल सलाम हमारा रेलवे का लाल झंडा है। अगर रेलवे हमारे साथ आया है तो हमें विश्वास है कि रेलवे बहुत बड़ा संगठन है और शिक्षक बहुत बड़ा संगठन है। सब मिलकर पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे, सब मिलकर पुरानी पेंशन लेकर रहेंगे। आंदोलन जारी है, देखना होगा ये आंदोलन आने वाले समय में क्या रंग दिखाता है, क्योंकि ये सरकार के लिए भी आसान काम नहीं है और कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आगरा से राहुल सिंह की रिपोर्ट।